कई लोगों ने पूछा था संकल्प विधि कैसे है, तो आपको महाराज जी विधिवत बताएंगे। देखिए, कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ हो, चाहे निष्काम भाव से हो चाहे सकाम भाव से है, बिना संकल्प के वो पूर्ण नहीं होती है। इसलिए सर्वप्रथम जो है संकल्प करना चाहिए, सर्वप्रथम गणेश गौरी की स्तुति, फिर उसके बाद संकल्प। तो संकल्प इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है वेदों शास्त्रों में, ओम विष्णु 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 दत्त ब्राह्मण द्वितीय प्रहारदेशी से द्वारा कल्पे वैवस्वन मंत्रे अष्टाविंशतिमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावतांतर्गत वदेक देशे नर्मदायाम दक्षिणे भागे। जैसे करगी रोड में अपन रह रहे हैं, तो करगी रोड ग्राम में स्थित है सूर्य दक्षिणायने साधारण नाम संवत्सरे मासा नाम मासोत्तमे अश्विन मासे सुबह कृष्ण पक्षे षष्ठम में तिथौ चंद्रवासरा नितायाम। इस प्रकार जो है संकल्प करके और फिर जो है देवी देवताओं का व्रत पूजन किया जाता है। तो पंडित जी आप इसको हिंदी बता दीजिए साधारण लोगों के लिए, जैसे कि संस्कृत नहीं आता, कि मास समय दिन जो भी आप हिंदी में इनको बता दीजिए। उसको जो है जिनको संस्कृत नहीं आती है उनको सिर्फ इतना का संकल्प करना चाहिए, अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्ति फल प्राप्त काम्य त्वर्थे अमुक मासानाम अमुक माह अमुक पक्ष अमुक तिथि, अपना गोत्र का उच्चारण करें, अपना नाम का उच्चारण करें, मम मेरे द्वारा यह किया जा रहा है, इसको हे परमात्मा आप पूर्ण करिए, ये इसका जो है हिंदी में अनुवाद है, हिंदी में जो है इस प्रकार करना चाहिए। जैसे कि जिनको अगर इतने में भी समझ में ना आए तो वो ऐसा कर सकते हैं कि कैलेंडर को ले लें, उसमें ये देख लें कि क्या पक्ष है, क्या तिथि है, और आप जो पूजा कर रहे हैं वो किस उद्देश्य कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपका ग्राम कहाँ है, कहाँ रह रहे हैं, और आपका गोत्र क्या है, गोत्र क्या है? ये सब सरलतम विधि है। हाथ में चावल दूर्वा फूल कुछ दक्षिणा लेकर और संकल्प करना चाहिए, उसके बाद देवता के समक्ष वो सारे चीजों को करना चाहिए। यही संकल्प का साधारण विधि है। अगर गुरु जी पूजा कराते हैं तो वो विधिवत संस्कृत में संकल्प करवा के ही पूजा करवाते हैं, उसका वही विधान ही है, पहले संकल्प, पहले संकल्प फिर पूजा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए।